हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग जो होता है, इसी से रिलेटेड डिटेल्स जो है आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। इंजीनियरिंग का जो है बहुत सारे ब्रांचेज होता है, उसमें जो है आपको कोई ना कोई एक ब्रांचेज सिलेक्शन करना रहता है। आपके जैसे रैंक के बेसिस पर जो है आपको सिलेक्शन करना रहता है कि आपको उसमें से भी हो सकता है कि आप जो चूज करना चाहते हैं, जो प्रेफरेंस वन है वो आपको ना मिले, प्रेफरेंस टू मिले, थ्री मिले, इस तरीके का भी ऑप्शन होता है। तो जिस भी ब्रांचेस में आप जैसे बीटेक करेंगे तो आगे जो है उसी फील्ड में जो है आपको रिसर्च करना हो तो रिसर्च करेंगे, जैसे एमटेक करना हो तो एमटेक करेंगे, या पीएचडी करना हो तो पीएचडी करेंगे, इस तरीके का। और करियर का जो आपका जो ग्रोथ होगा उसी एक्चुअली फील्ड से रिलेटेड होगा। तो एक्चुअली जब आप सिलेक्शन करते हैं, एक्चुअली जब आप इंजीनियरिंग ब्रांचेस का, तो उस दौरान जो है आप खासा ध्यान दें कि एक्चुअली आपको आगे फ्यूचर में जो जाके जो है क्या करना है, किस फील्ड में आगे बढ़ना है, और उस अनुसार जो है अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोग्रेस आगे करेंगे। आपका जो भी एक्चुअली एम है, लक्ष्य है आपका, वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। तो उसी अनुसार जो है आप सिलेक्शन करें ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग का। जैसे आप किसी को हो सकता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है तो वो प्रेफर कर सकता है सिविल इंजीनियरिंग। इसी प्रकार मैकेनिकल, जो मैकेनिकल पार्ट में जिनका इंटरेस्ट है उसमें किन्हीं को रिसर्च करना है तो वो चूज कर सकते हैं। किन्हीं को सॉफ्टवेयर फील्ड में अगर करियर बनाना है तो वो कंप्यूटर साइंस प्रेफर कर सकते हैं। इस तरीके का बहुत सारे ब्रांचेज हैं। आप जो है एक एक करके सारे ब्रांचेज को अच्छी तरीके से समझ लें, उसके बाद जो है आप एक्चुअली जब कॉलेज में जब जिस दौरान जब आप चॉइस देते हैं तो उस दौरान उस के अनुसार उसके बेसिस पर दें, और फिर आगे आपका जो है अच्छा खासा करियर ग्रोथ होता चला जाएगा। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है कैसे हम लोग ब्रांच जो है चूज करेंगे इंजीनियरिंग का, आपको डिटेल में समझ में आया होगा। धन्यवाद।